हाय एम्पियंस, तो वेलकम टू आवर माध्यमिक पाठशाला। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और लगभग अब क्लास 11 में सबका एडमिशन हो गया होगा। तो आज हम लोग अपना इंग्लिश का फर्स्ट क्लास देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले हमने आपका इंग्लिश का जो बैच है या जो भी कोर्स बोल लीजिए, उसमें दो लेक्चर्स आपके लिए ऐड किया था। फर्स्ट लेक्चर जो था, जिसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है, क्योंकि समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सेमेस्टर सिस्टम के तहत इंजाम देंगे। दूसरा चीज़, हमने आपसे कंप्लीट डिटेल बात किया था कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो एटलीस्ट सिलेबस को देख लीजिए एक बार, क्योंकि सिलेबस सामने रहता है तो आपको पता रहता है क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग अपना सेमेस्टर वन का क्लास 11 इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है, कि हम लोगों का टोटल 40 मार्क्स का एमसीक्यू बेस आपका ये सेमेस्टर होने वाला है, जिसमें आपका प्रोज है 10 मार्क्स का, और वर्स या पोइट्री बोल लीजिए वो है आपका 10 मार्क्स का। फिर रैपिड रीडर आपका एक और बुक है, उसमें कुछ कहानियाँ हैं जो आपका है 10 मार्क्स का। फिर आपका टेक्सुअल ग्रामर हो गया आपका, फिर 5 मार्क्स का, और फिर जो अनसीन पैसेज आता है जिसको रीडिंग कंप्रेंसिव एक्सरसाइज कहा जाता है, वो आपका 5 मार्क्स का है। तो ये कंप्लीट आपका 40 मार्क्स का सिलेबस है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि प्रोज एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। अब प्रोज में क्या क्या पढ़ना है ये भी डिटेल हमने दे दिया है, ठीक है। सिलेबस वाला एक बार डिटेल देख लीजिएगा आप लोग, वो ज़रूरी है आपके लिए। सिलेबस में देखिएगा तो प्रोज में आपको तीन चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करें कि प्रोज एक्चुअल में होता क्या है। जैसे आपके समक्ष, आपके सामने हम दो वाक्य रख रहे हैं, उन दोनों वाक्यों में आप डिफरेंट करने की कोशिश कीजिएगा। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, फर्स्ट वाक्य। हम उनसे शिकायत क्या करें जो खुद ही शिकायत गर्ज हैं, हम उनसे शिकायत क्या करें जो खुद ही शिकायत गर्ज हैं। अब इन दोनों वाक्यों का डिफरेंट देखने की कोशिश कीजिए आप। जो पहला वाक्य है कि हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, बहुत सिंपल है कि भाई हाँ, सच में कोई आदमी है जो बोल रहा है कि हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, हम मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपसे। दूसरा देखिए कितना गहरी बात कही गई है, हम उनसे शिकायत क्या करें जो खुद ही शिकायत गर्ज है। मतलब वो बोला कि हम उन सब क्या शिकायत करने जाएं जो दूसरा आदमी खुद हमसे शिकायत करने आया है। तो समझिएगा यही डिफरेंट है आपका। जो प्रोज होता है उसमें जब भी राइटिंग का फॉर्मेट है, ये जब भी लिखा जाता है तो चीज़ों को बहुत सिंपल रखा जाता है। यानी इसमें चीज़ें जो लिखी जाएंगी, जो भी वाक्य प्रयोग में लाया जाएगा, यानी जो भी सेंटेंस यूज होगा, वो सेंटेंस बहुत सिंपल रहेगा, जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग रहेगा, जो बोला गया है सो बोला गया है। लेकिन अगर हम वही बात करें, वर्स बोल लीजिए या पोएट्री बोल लीजिए, उस केस में आपका जो लिखी गई है उसकी मतलब जो होता है, उसका मतलब जो होता है बहुत गंभीर रहता है, उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एक एक शब्द में यूँ समझिए कि आपका गागर में सागर को समा देना होता है, बहुत गहराई में बातें बोली गई रहती हैं जिसको समझना होता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोज पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें आप कहानी पढ़िएगा या शॉर्ट स्टोरी बोल लीजिए या जो भी बोलिए, पैराग्राफ बोलिए, जो भी आप यहाँ पर पढ़िएगा उसमें कंप्लीट जो वाक्य लिखा गया है बहुत सिंपल वाक्य रहेंगे। सिंपल मतलब आप ये मत समझिए भैया बहुत आसान आसान वर्ड चुना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं हम। सिंपल मतलब जो सेंटेंस में लिखा गया है उसका मीनिंग वही है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें रहेंगी, बस इतना आपको ध्यान रखना। बस समझ में आया? तो प्रोज में ये फॉर्म रहेगा, पोएट्री में और डिस्कशन हम करेंगे जब पोएट्री में हम लोग इंटर करेंगे तब। लेकिन प्रोज का इतना मतलब समझिए कि प्रोज मतलब हुआ जो बोला गया है उसका मतलब वही, मतलब इसमें चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी गई हैं। बात समझ में आया? चलिए, तो अब जैसा कि आपको पता है कि आपका यूनिट वन जो है वो आपका थ्री स्टोरीज रखा हुआ है। आपका हर एक स्टोरी से कुछ मार्क्स डिवाइडेशन है। जैसे आपका फर्स्ट स्टोरी जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उससे आपका है 4 मार्क्स, सेकेंड स्टोरी जो है आपका है 3 मार्क्स, और जो थर्ड स्टोरी है उससे 3 मार्क्स। अभी भी हम रिकॉल करा दें आपको, यहाँ से कोई भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस नहीं करना है, एमसीक्यू बेस है, तो हम लोग एमसीक्यू के तरह ही तैयारी करेंगे। जैसे आप देखिए जो फर्स्ट आपका स्टोरी है, ठीक है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। आप बोलिएगा भैया एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर मतलब समझिए कि जैसे आपने देखा होगा जो भविष्यवाणी करते हैं, जैसे आप देखिएगा आप कहीं जाते हैं तो एक तोता रहेगा जो लेके वो बैठा हुआ है, एक आदमी है जो तोता लेके बैठा हुआ है, कुछ कार्ड्स आपका सेलेक्ट रहेगा और उसके बेस पे बोलेगा। एक जैसे आप मान लीजिए उसको कुछ पैसा दिया आपने, आप गए और आपने कुछ पैसा दिया, वो आदमी जो है अपना पिंजरा को ऊपर थोड़ा सा ऊपर करता है, तोता जाता है, एक कार्ड बाहर निकालता है, उसको देखता है, वो भविष्य बताना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये कहानी मतलब एस्ट्रोलॉजर मतलब वही है। तो उसका एक एस्ट्रोलॉजर है जिसका एक दिन का घटना है जिसके बेस पे आर के नारायण, वन ऑफ द बेस्ट राइटर इंडिया के, ठीक है, जो इंग्लिश में लिखा करते हैं। तो आपका समझिए
कि उनका ये स्टोरी लिया गया है, ठीक है, ये स्टोरी एक नॉवल से लिया गया है, हम लोग बहुत डिस्कशन करेंगे, बहुत डेप्थ में जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके पहले हम लोग एक थोड़ा सा इस स्टोरी के लिए बेस बना दें, बेस जानते हैं आप ना कि मतलब स्टोरी समझने में जिससे चीज़ें आसान हो जाए वो हम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखिए स्टोरी का नाम आप लोग देख चुके हैं आराम से, ठीक है, आप राइटर नेम भी जानते हैं आर के नारायण। और आप लोग ऐसे नहीं है कि आर के नारायण से पहली बार मिलने जा रहे हैं, आप लोग आर के नारायण को बहुत अच्छा से जानते हैं। क्लास टेन अपना याद कीजिए, क्लास टेन का जो फर्स्ट स्टोरी था क्या था बाबू, फादर सेल्फ, और फादर सेल्फ के राइटर कौन थे, आर के नारायण थे, ठीक है। हाँ, अब कुछ बच्चे शिकायत करेंगे भैया वहाँ सीन अनसीन रहता था, हम लोग उतना डेप्थ नहीं पढ़ा, डेट्स ओके, ठीक है। बट हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आर के नारायण को पहली बार जानने जा रहे हैं। और अगर आर के नारायण को बहुत करीब से जानना है कितने अच्छे राइटर हैं, तो आपको अभी कुछ हम सीरियल सजेस्ट करेंगे, ठीक है, जिसको आप देख लीजिएगा, एक दो एपिसोड देखिएगा तो आप फैन बन जाइएगा इनके, कि हाँ क्या लिखते हैं ये, बात समझ में आया। देखिए ये हैं आर के नारायण, ये आपके आर के नारायण हैं, आप अपने खुद से भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अब देखिए बाबू, आर के नारायण के बारे में जाने से पहले, ठीक है, आर के नारायण का हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन देखे, उसके पहले अभी आप करंट टाइम में देखिएगा तो एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पहले आप लोगों को सबको अच्छा लगता होगा, हमको भी पहले अच्छा लगता था, अब थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हैं, बट हाँ ऐसा नहीं है कि आप लोग तारक मेहता को जानते नहीं है, तारक मेहता उल्टा चश्मा जो है अब जानते नहीं है, इसको बकायदे आप लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं, ठीक है, सबने एक ना एक एपिसोड तो देखा ही होगा भाई, अगर कोई बोल सकता है भैया हम नहीं देखते हैं, तो एक ना एक एपिसोड देखा होगा आपने। अगर आप जब तारक मेहता देखते हैं तो उसमें देखिएगा एक गोकुलधाम नामक सोसाइटी है, ठीक, और सारा कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमता है, मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि भाई एक गोकुल नाम नमक जगह है जिस जगह में सारी घटनाएं घट रही हैं और एक के बाद एक घटना घट रही है और उसी को एपिसोड बाय एपिसोड दिखाया जाता है, ठीक है। तो आप समझिए कि जो ये आर के नारायण है, इन्होंने भी अपने कहानियों के लिए, जनरली मैक्सिमम की जितनी कहानियां हैं उसके लिए इन्होंने एक काल्पनिक शहर बनाया, काल्पनिक शहर, जैसा समझिए कि ये जो आपका गोकुल धाम है ये सच में थोड़ी है कहीं, ठीक है, वो इमेजिन है, किस राइटर का इमेजिनेशन है, जैसे इसका भी जो राइटर है, ठीक है, अगर जानते हो आप तो बहुत अच्छे हैं, कई बार आपका एपिसोड के बीच में दिखाया गया है, तो उन्होंने भी जो आपका गोकुल धाम है ये इमेजिनेशन ही तो है, एक आपने कल्पना किया, उसके इर्द गिर्द कहानियाँ घूम रही हैं। आप सोचिएगा, आप जब कोई भी मूवी देखते हैं उस मूवी के अंदर जो बात किया जाता है, आपको जो शहर दिखाया जाता है, कुछ कुछ फ्रिक्शनल शहर दिखाया जाता है जो नहीं होता हकीकत में, लेकिन दिखाया जाता है, बस समझ में आया। तो वैसे ही समझिए कि जैसे तारक मेहता हो गया, तारक मेहता में क्या होता है, वो आपका गोकुल धाम है, एक जगह है जो फ्रिक्शनल है, जो हकीकत में है भी नहीं। तो वैसे ही आर के नारायण की जो मैक्सिमम रचनाएं रहती है, उन्होंने उसमें एक शहर का कल्पना किया, मालगुडीज, शहर का नाम क्या बाबू, मालगुडी, क्या नाम है, मालगुडी, अब बोलिए कि भैया ऐसा, अब हो सकता नाम है बस आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो भी एक शहर का नाम है, ठीक है, मालगुडी करके, बस समझ में आया। अब इनकी जितनी मैक्सिमम कहानियां हैं, ठीक है, इस कहानियों में जो घटना घटता है ना, इसी गांव में घटता है, इसी जगह पे घटता है, यानी इसी गांव से दो करेक्टर्स रहेंगे, उनके बीच में कुछ एक घटना घटा उनके साथ, ये कहानी बन गया, दूसरा कहानी घटा, दूसरा कहानी बन गया, ठीक है। जैसे आपने क्लास टेन का अगर हल्का सा भी आपको रिकॉल हो तो उसमें देखिएगा फादर सेल्फ में एक स्वामी करेक्टर था जो स्कूल नहीं जाने के लिए बहुत अलग अलग बहाने करता है, ठीक है, तो उसमें भी देखिएगा कहीं ना कहीं आपको बताया गया था कि ये जो स्टोरी है ये मालगुडीज देश नामक एक उनका सीरियल आता था या नॉवेल था जिससे लिया गया था। तो ये समझिए कि मालगुडीज देश जो है ना, इनका एक ही नॉवल में नहीं, और भी कुछ नॉवल्स हैं जिसमें ये मालगुडीज देश का जिक्र करते हैं, यानी मालगुडीज जो शहर है उसका जिक्र करते हैं, यानी इनकी कहानियाँ जो है ना, उसका बैकग्राउंड जो है, जहाँ पे कहानियों का बैकग्राउंड सेट है, ठीक है, वो मैक्सिमम कहानियों के लिए क्या रहेगा बाबू, आपका मालगुडीज नामक शहर रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मालगुडी नाम का एक सिटी है जो रहेगा आपका, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आर के नारायण के बारे में जानना शुरू कर देते हैं कि आर के नारायण एक्चुअल में है क्या, इन्होंने क्या क्या किया है, आप इनका स्टोरी पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में जानना जरूरी है, और दूसरा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू वगैरह, ठीक है। देखिए तो हम लोग किन के बारे में जानने वाले बाबू, आर के नारायण के बारे में जानने वाले, ठीक है। सबसे पहले देखिए आर के नारायण का कंप्लीट नेम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इनका कंप्लीट नेम ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया इतना बड़ा नाम, अब बात समझिए कि जैसे आपने, हम एग्जाम्पल है तारक मेहता का, भैया आप तारक मेहता का फैन है क्या, बार बार एग्जाम्पल ले जाए, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बात समझिए कि रेफरेंस आप लोग रिलेट कर पाए इसलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे आप देखिएगा जब आप तारक मेहता देखते हैं तो उसमें जेठालाल का नाम बोलना सुनिएगा, जेठालाल चंपकलाल गढ़ ऐसा करके बोलता है, यानी अपने पिता का नाम कहीं ना कहीं वो यूज करता है। और जनरली जो साउथ इंडिया है उसका कल्चर है कि फादर नेम
मतलब अपने जो पूर्वज रहे हैं उनके नेम के साथ चला जाता है, ठीक है। तो आप जो देख रहे हैं ये इतना बड़ा इनका नाम है, ये इनके फादर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए उनके फादर का नाम देखिएगा, आप समझिएगा यहीं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बस समझ में आया, यहाँ अय्यर तक देखिएगा इनका है, ठीक। तो इनका नाम क्या है बाबू? ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। क्या नाम है बाबू? ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ठीक है। कॉमनली नॉन एज द आर के नारायण, शॉर्ट में इनको क्या नाम जाना जाता है? आर के नारायण से जाना जाता है। मैक्सिमम जगह नाम यही फेमस है इनका, आर के नारायण से ही जाना जाता है। बट चूंकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए एटलीस्ट नाम को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाई चांस अगर पूछ दे कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आर के नारायण, ठीक है, ऐसा करके पूछ दे कुछ, ठीक है, या उनका चाइल्डहुड नेम क्या था, तो वहाँ एमसीक्यू में एक ऑप्शन दिखेगा, कम से कम पढ़े रहेंगे अपना तो चीज़ों को टिक कर पाइएगा। बात समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, जो आर के नारायण है बाबू ना, वो इंडिया के जो मोस्ट मतलब सबसे फेमस जो राइटर्स होते हैं, इंग्लिश राइटर में बात किया जा रहा है, ठीक है, तो ये उनमें से एक है। ये क्या है हम लोगों का? उनमें से एक है। और इनका जो जन्म बोलिए, जब इन्होंने जन्म लिया था, जब इनका जन्म हुआ था, वो 10th of October 1906, ठीक है, 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब समझिए कि आप ध्यान रखिएगा कि उस समय ये इंडिया फ्रीडम नहीं था, हम लोग का इंडिया फ्रीडम नहीं था, मतलब हम लोग बेसिकली हम लोग अंडर आपका समझिए कि ब्रिटिश के अंदर में हम लोग थे, तो उसी काल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था वो? मद्रास में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, जो अभी चेन्नई बन गया है। उस समय क्या था, जब ब्रिटिश इंडिया था तो उस समय इसका नाम क्या था? मद्रास, जो अभी क्या बन चुका है, वो चेन्नई बन चुका है। और इनटू तमिलनाडु ब्राह्मण फैमिली, एक इसका इनका जन्म कहाँ हुआ था? ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनके फादर का नाम क्या था? आर कृष्णा, वही समझिए ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर। इनके फादर का नाम क्या था? ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर। और वो क्या थे? एक हेडमास्टर था किसी ना किसी स्कूल के। बात समझ में आ? ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपने क्या क्या की पॉइंट निकाला बाबू। सबसे पहले आर के नारायण का फुल नेम, आर के नारायण का फुल नेम क्या है हम लोग को वो ध्यान रखिएगा। बात समझ में आया? ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, इनका जन्म कब हुआ था? 10th of October 1906, ठीक है, यानी 1906। बात समझ में आया? दूसरा क्या? मद्रास में हुआ था। जगह उतना ना याद रखना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ बस याद रखिएगा कि 10th अक्टूबर को था 1906 ईस्वी में, इसको बस ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़, इनका फुल नेम ध्यान रखिएगा। तीसरा चीज़, इनके फादर का नाम क्या था बाबू? ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर। और इनका ये क्या थे? हेडमास्टर थे, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ से एक ही पॉइंट पकड़ने के बाद से अब देखिए हम लोग मूव टू द सेकंड पैराग्राफ। अब हम लोग जब सेकंड पैराग्राफ पे जाते हैं अपना इंट्रोडक्शन का सेकंड पैराग्राफ, तो यहाँ देखिए इन 1935 ईस्वी में आर के नारायण पब्लिश हिज फर्स्ट नॉवल। उन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल पब्लिश किया, जिसका नाम क्या था बाबू? स्वामी फ्रेंड्स, ठीक है। क्या नाम था बाबू? स्वामी फ्रेंड्स। अब देखिए इन्होंने करेक्टर्स में जो नाम रखा था वो अपने नाम से, देखिएगा इनका नारायण स्वामी नाम है, ठीक है, मेन इनका नारायण स्वामी नाम है और बाकी तो फादर के साथ नाम कमली जुड़ा जाता है। स्वामी फ्रेंड्स, तो स्वामी एंड फ्रेंड्स। अब देखिए इन्होंने अपने ही करेक्टर को इन्वॉल्व किया है आसपास, ठीक है। अब देखिएगा फादर सेल्फ में भी स्वामीनाथन करके एक करेक्टर था, ठीक है। तो अब आप समझिए कि स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका फर्स्ट नॉवल था। ये भी ध्यान रखिएगा कि आर के नारायण का फर्स्ट नॉवल कौन सा था बाबू? स्वामी एंड फ्रेंड्स। आर के नारायण का फर्स्ट नॉवल कौन था? स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए विच इंट्रोड्यूस रीडर्स टू द फ्रिक्शनल टाउन मालगुडी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इनका जो पहला नॉवल था स्वामी एंड फ्रेंड्स, वही क्या किया, जो पढ़ने वाले थे उनके सामने एक शहर से परिचय कराया, जिसका नाम क्या था बाबू? मालगुडी, ठीक है। अब समझिए कि बेसिकली इनका जितना भी वर्क्स है, जितना मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा इनका वर्क है, वो आसपास कहाँ घूमता है, किस टाउन के इर्द गिर्द घूमता है बाबू? मालगुडी नामक टाउन है, उसी के आसपास घूमता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था आपसे। द नॉवल वॉज वेल रिसीव्ड एंड मार्क्ड इन द बिगनिंग ऑफ द नारायण फर्स्ट, बस इतना समझ सकते हैं आपकी बेसिकली ये नॉवल जो था इनका फर्स्ट करियर जो स्टार्ट हुआ उस करियर में आपका बहुत मतलब योगदान दिया स्टार्टिंग करियर में, ठीक है। आर के नारायण इज ऑफ्टन कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द ट्राय ऑफ इंडियन राइटर्स हु वॉट द इंडियन लिटरेचर टू द इंटरनेशनल प्रोमिस, ठीक है। अब समझो कि आर के नारायण जो है ना, एक टाइम था जब मतलब आप इनके जब समय चल रहा था, ठीक है, 1940 के आसपास समझ लीजिए कि इसके आसपास, ठीक है, जब इंडिया के राइटर्स जो समझिए, ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपका इंग्लिश लिटरेचर तो पहले से था ही नहीं, इंग्लिश में राइटर लिख रहे थे, बाहर देशों के थे, लेकिन जो
इंडियन जो राइटर्स थे जो कहानियों को भारतीयता वाला जो कहानियाँ थी, ठीक है, जैसे इनका कहानी आप कोई भी पढ़िएगा ना, वो बहुत जुड़ी रहती हैं, बहुत गांव से एकदम जुड़ी रहती है, एकदम लगेगा आपको सिंपल है, बहुत स्टोरी सिंपल है, ठीक है। आप कोई भी इनका कहानी पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप रिलेट कर पाइएगा, अच्छा हाँ ये हम ही लोग के आसपास है। जैसे आप लोग ये कहानी भी जब पढ़ेंगे हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स डे, तो उसमें भी आप देखिएगा कि एकदम आप रिलेट कर पाइए कि अच्छा हाँ ठीक है ये आसपास हमने देखा है। आपने फादर सेल्फ देखा तो फादर सेल्फ में भी आप रिलेट कर पा रहे थे, अच्छा ये सब चीज़ें वैसी ही हैं। तो इनकी कहानियाँ जो है, यानी ये जो 1940 के आसपास वाले जो राइटर्स हुए, ठीक है, तीन फेमस राइटर थे जिन्होंने क्या कर दिया, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर जो था इंडिया की तरफ से उसको एकदम इंटरनेशनल लेवल पे चलाया। तो उसमें क्या था, उस ट्रायो में किसको किसको रखा गया था, वो आर के नारायण को रखा गया था, ठीक है, मूल क्रॉस थे, और उसके बाद आनंद राजा राव थे, आनंद राजा, ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा। ट्रायो जो थे उन ट्रायो में किसका किसका नाम था, वो आर के नारायण, मुल्क राज, उसके बाद आनंद राजा राव, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एनेस्ट्रोजर्स डे जो हम लोग का है, कहानी जो आप लोग पढ़ने वाले हैं, आपके जो चैप्टर में इंक्लूड किया गया सिलेबस में इंक्लूड है, एनेस्ट्रोजर्स डे वन ऑफ द नारायण मोस्ट रिनॉर्ड शॉर्ट स्टोरीज ओरिजिनली पब्लिश इन द 1947। हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे ताकि आप लोग को दिखे, ये हल्का सा नीचे हो गया है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ठीक है, अब देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए तो ओरिजिनली कब पब्लिश हुआ था, वो ओरिजिनली पब्लिश हुआ था ये 1947 एज ए पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन मालगुडीज डे। कहाँ से कहाँ का था वो, ये मालगुडीज डे जो इनका सीरीज था, ठीक है। आपने देखा होगा फादर सेल्फ भी जब आपने पढ़ा तो वो भी आपका जो स्टोरी लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था, मालगुडी डे से ही लिया गया था। तो ये भी कहाँ से लिया गया है, मालगुडी डे से ही। तो यहाँ से जो आपको की पॉइंट्स एकदम समझिए कि वहाँ से एमसीक्यू बन ही सकता है, वो की पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखना है, हम हाईलाइट अभी भी कर दे रहे हैं, उसको एकदम आप बार बार कम से कम 4-5 बार रीडिंग कर लीजिएगा, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब क्या है, समझिए कि इस कहानी से ही आप पूरा स्टोरी पढ़िएगा, इस कंप्लीट स्टोरी से ही आना 5 MCQ है। अगर इसमें से इस पेज में से एक MCQ भी आज आ रहा है तो समझिए आपके लिए क्या है, बहुत अच्छा है, क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्या क्या की पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले फुल नेम, ठीक है, ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या ध्यान रखिएगा, इनका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तीसरा अगर चाहें आप तो उनके फादर के बारे में, बस यहाँ से यहाँ तक बहुत कम चांस है इसका, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पूछेगा आपको कि उन्होंने मालगुडीस नामक फर्स्ट शहर को कब इंट्रोड्यूस किया था, तो आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट नॉवल में इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नॉवल का नाम क्या था, स्वामी स्प्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो ये ट्रायो है, इस ट्रायो में किसको किसको इंक्लूड किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। बस समझ में आया, अब ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनेस्ट्रोजर्स डे जो आपका स्टोरी लिया गया वो कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया, वो मालगुडी जैसे, जो कब पब्लिश हुआ था, 1947 में पब्लिश हुआ था। इतना की पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये सब एमसीक्यू बन सकते हैं, बात समझ में आया। अब देखिए बाबू, हम लोग जो कहानी पढ़ें, कहानी पढ़ने से पहले हम जो समझाएं आपको, उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहानी को खुद एक बार रीडिंग करना शुरू कर दें, ठीक है। आपको एक बार कहानी को रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना हम चीज़ों को पढ़ा देंगे, हम निकल जाएंगे, आप लोगों का डाउट्स वगैरह बहुत सारी बात में आएंगे। उससे बढ़िया क्या है कि आप खुद कहानी को पढ़ने की कोशिश की, अब यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, भैया हमको खुद से कहानी नहीं समझ में आएगा, ये वो बहुत सारी बातें हैं, जैसे हम बता रहे हैं बस आप ऐसे करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपके पास जो बुक है उस बुक को खोलिएगा, उस बुक में ये जो स्टोरी दिया गया है उस स्टोरी को पैराग्राफ बाई पैराग्राफ रीडिंग करना शुरू कर दीजिएगा। बस रीडिंग करना है चीज़ों को, पहली बार तो बस रीडिंग करना है कि एक्चुअल आप रीडिंग कर रहे हैं और किस किस वर्ड में डिफिकल्टी आ रहा है, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कुछ कुछ वर्ड होंगे जिसमें डिफिकल्टी आएगा, उसको पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट काम क्या है कि आप सबसे पहले बुक लीजिए और बुक से स्टोरी को पढ़िए, और स्टोरी को पढ़ने के बाद से किस किस वर्ड्स को रीडिंग करने में डिफिकल्टी आ रहा है उस वर्ड को हाईलाइट कीजिए पेंसिल से, पहला काम करता, ठीक है। अब समझिए कि एक ऐसा चार्ट प्रिपेयर कीजिए जैसा आप लोग हम दिखा दें फॉर डेमो। देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ ले रखा है जो आप लोग का स्टोरी है, उस स्टोरी का फर्स्ट पैराग्राफ हमने ले रखा है। तो देखिए जब इस पैराग्राफ को आप रीडिंग कीजिएगा तो हमने एक एजम्पशन लेके चला है कि बच्चों को क्या क्या डिफिकल्ट आ सकता है। अब आपको बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी तो उसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सीरियल नंबर आप चाहे बनाना चाहे बना सकते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश वर्ड रखेंगे और यहाँ पे आप हिंदी ट्रांसलेशन उसका जनरेट करेंगे, ठीक है। तो आप इंग्लिश वर्ड कहाँ से चुनेंगे, इसमें से जिसमें आपको डिफिकल्टी फेस होंगे, जिसमें क्या होंगे आपको डिफिकल्टी फेस होंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर दें, हमको ऊपर वाला साफ साफ दिख नहीं रहा है, ताकि आपको आपको भी दिखे और हमको भी दिख सके,
ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए एकदम सिंपल, हमने यहाँ से चुना यहाँ से चुना, जो जो डिफिकल्टी आपको फेस होगा, ठीक है, आप समझिए जहाँ जहाँ आपको डिफिकल्टी फेस होगा जिस इस वर्ड में, ठीक है। एक हमने अजम्पशन लेके चले हैं, ये मत सोचिएगा भैया इसी में सब डिफिकल्टी आ सकती, नहीं, ये आप पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा ना, समझिए किसी को बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऑलरेडी पता हो तो वो क्यों ये चार्ट को बड़ा करेगा, जिसको नहीं पता हो वो छोटा करके भी फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में कहानी समझने में दिक्कत होने लगेगा। तो ये अपने चॉइस से आप बना लीजिएगा। सबसे पहला काम क्या हो, खुद से पूरा कहानी को रीडिंग करना, ये कहानी का एक पैराग्राफ है, ठीक है, सब सारे पैराग्राफ है उसमें, तो कहानी को पहले खुद से रीडिंग करना, और रीडिंग करने के बाद से ऐसा आपको एक पेज पे तैयार करना है, बस समझ में आया, ठीक है। अब तैयार करने के बाद से आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। अब बोलेगा भैया हिंदी ट्रांसलेशन कहाँ से मिलेगा, तो अभी टेक्नोलॉजी के ज़माना में आप कोई भी प्ले स्टोर पर जाइए, कोई भी डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिएगा और डिक्शनरी से टाइप कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक हिंदी मिल जाना है वहाँ पे। नहीं तो आपका सबसे बढ़िया आपका गूगल ट्रांसलेशन करके एक आता है, जिस पर आप क्या कर सकते हैं उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ से आप कोई भी वर्ड डालिएगा हिंदी मिल जाएगा उसका, बात समझ में आया। ऑल्दो जो अगर नहीं भी मिलता है तो कुछ वर्ड्स जो एक जर्नल बच्चों को कॉमन प्रॉब्लम आ सकता है वो हम ऑलरेडी फ्री प्रोवाइड कराएंगे आपको भविष्य में, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको करना क्या है, स्टोरी को रीडिंग करना है, और स्टोरी को रीडिंग करने के बाद से आपको ये चार्ट तैयार करना है, बात समझ में आया बच्चों, क्या करना है, सबसे पहले स्टोरी रीडिंग करना है, स्टोरी रीडिंग करने के बाद क्या करना है, आपको ये चार्ट तैयार करना है पूरा कंप्लीट स्टोरी के लिए, ठीक है। आप ये टेंशन मत लीजिएगा भैया बहुत ज़्यादा वर्ड जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, उसको मत टेंशन, क्योंकि सीखना ही तो, पढ़ना ही तो है। और आप समझिए कि जब एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता रहेगा, वहाँ MCQ पूछेगा, क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप मतलब ही नहीं समझिएगा, तो आंसर क्या कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान के रखिएगा, स्टोरी को पहले रीड कीजिए, इसका एक एक वर्ड लिस्ट बनाइए, वर्ड लिस्ट बनाने के बाद उसका हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए, ये काम है आपका, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ बच्चे शिकायत कर सकते हैं, भैया हम लोग का बुक नहीं मिला है, ठीक है, हमको पता है कि अभी बुक नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप लोग देखिए हमने क्या कर रखा है, इस कहानी का PDF तैयार कर दिया, ठीक है। अब ओरिजिनल PDF हमारे पास बुक का हमने फोटो नहीं डाला, हमने क्या कर दिया, इसको पूरा कंप्लीट, जैसे ये देख रहे हैं आप टाइप फॉर्मेट में ना, कहानी सेम है, उसका टेंशन मत लीजिएगा आप लोग कि भैया कहानी डिफरेंट, कुछ नहीं, कहानी एकदम 100% बुक का ही आपका है, ठीक है। तो आपका बुक का जो स्टोरी है वो उसका PDF हमने दे रखा है, पूरा कंप्लीट स्टोरी का क्या रखा है हमने, PDF दे रखा है भाऊ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, अन्यथा अगर आप हम लोग का माध्यमिक पाठशाला अपना ऐप है, जो आप लोगों का आप अपने अगर ऐप में देख रहे हैं तो वहाँ देखिए आप जो कंटेंट वाला ऑप्शन है वहाँ पे देखिए स्टोरी का PDF दिखेगा आपको, स्टोरी PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसको ओपन करके रीडिंग कर लीजिए, ठीक है, रीडिंग करके आप तैयार कर लीजिए। चलिए ये काम आप लोग करेंगे, ये काम करने के बाद से हम लोग क्या करेंगे भाऊ, स्टोरी को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। जब आप लोग खुद से ये रेडी कर लेंगे, वर्ड लिस्ट तैयार कर रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्टोरी को पढ़ाएंगे। आज हम लोग का क्या था, बस एक राइटर इंट्रोडक्शन था, और उसके बाद दूसरा काम, आप राइटर इंट्रोडक्शन को ढंग से एक दो बार खुद से रीडिंग कर लीजिए, और अपना कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए। कॉपी में लिखने के बाद से आप जाएंगे, आप देखिएगा एक DPP मिलेगा आपको, ठीक है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस दे रखा है। आप फिर वही जहाँ से आपने PDF डाउनलोड किया उसी के बगल में देखिएगा एक DPP है, उस DPP को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे हमने दो एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, व्हाट वाज द आर.के. नारायण बर्थ नेम, आर.के. नारायण का बर्थ नेम क्या था, तो आप समझ ही सकते हैं, ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, तो ये फुल नेम था उनका। इन विच ईयर आर.के. नारायण बॉर्न, तो आपका 96, बात समझ में आया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब समझिए कि ऐसे ही आपका बहुत सारा उसमें MCQ मिलेगा, बहुत सारा क्या मतलब, जो उस पर बन सकता था, जैसे आपने राइटर इंट्रोडक्शन जितना पढ़ा है उस पर जितना बन सकता था क्वेश्चन हमने दे रखा है, वैसे ही हम लोग एक एक लेक्चर करेंगे। लेक्चर करने के बाद से आपके पास ये क्वेश्चन का DPP मिल जाएगा करेगा, ठीक है। जैसे ये DPP 1 है, वैसे ही आपका जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे हम लोग का DPP क्या होंगे बाबू, मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और आपको किसी तरह का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम करा देंगे आपका लगभग सारा क्वेश्चन ही आपको उसी से मिलना है, तो ऐसा कुछ ह्यूज अमाउंट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा, ऑलरेडी हमने वो DPP तैयार ही उसी हिसाब से किया है ताकि लगभग सब क्वेश्चंस हो जाए। हम लोग एक ही चैप्टर में 150-200 क्वेश्चन कर लेंगे, तो उसमें 5 क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा, कोई बाहर का जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा वैसे, तो ध्यान रखिएगा चीज़ों को, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हम लोग चलेंगे। अभी काम क्या है, आप लोग इस राइटर इंट्रोडक्शन को आप लोग एक बार कॉपी में लिखिए और खुद से रीडिंग कीजिए, और जो जो की पॉइंट्स हमने हाईलाइट किया उस की पॉइंट्स को कैच कर लीजिए, और की पॉइंट्स को कैच करने के बाद से आप क्या करेंगे, दूसरा चीज़ पहले DPP को सॉल्व करेंगे, DPP को सॉल्व कर लेंगे, DPP सॉल्व करने के बाद से नेक्स्ट आपका किस पे पढ़ेंगे, सबसे पहले वो PDF डाउनलोड करेंगे, स्टोरी PDF डाउनलोड करके खुद से रीड करेंगे, और उसके बाद जो हमने आपको चार्ट बनाने बोला वो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। आपको ये तीनों कहाँ मिलेगा, सब जो भी आपका मटेरियल है, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप YouTube पे नहीं देख रहे हैं, हम लोग का माध्यमिक पाठशाला आपका जो ऐप है उसमें देख रहे हैं तो वहाँ देख रहे हैं, तो वहाँ पर कंटेंट वाला ऑप्शन में जाकर चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आप लोग आराम से टेंशन फ्री रहिए, आराम से
पढ़ाई को इंजॉय करते हुए आगे बढ़िए, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे अपना और कहानी को ख़त्म करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।